नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु संधियों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि परमाणु संधियां होती क्या हैं, परमाणु संधियां कितनी हुई हैं, तो हम आपको बताएंगे ही परमाणु संधियां क्या होती हैं और कैसे की जाती है। देखिए, जब से विश्व में परमाणु शक्ति का उद्भव हुआ, परमाणु बम बनाए जाने लगे, परमाणु भट्टियां बनाई जाने लगी, तब से हमने ये कई अवसरों पर देखा है कि इसका सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा होता रहा है। चाहे आप हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम के हमले की बात सुन लें, चाहे कहीं कहीं परमाणु भट्टियों में रिसाव हो, परमाणु भट्टियां फट गई हो, उससे भीषण जनधन की हानि होती रही है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए कि यह अनियंत्रित ना हो जाए, यह शक्ति ऐसी न बन जाए कि यह मनुष्य का ही विनाश कर दे जिसने इसे खोज निकाला है, इसके लिए परमाणु संधियां की गई विभिन्न देशों से जो परमाणु शक्तियों को प्राप्त कर चुके थे और कुछ ऐसे जो प्राप्त करने वाले ही थे, उनके बीच विभिन्न प्रकार की परमाणु संधियां की गई जो परमाणु शक्तियों का उपयोग करते हैं विभिन्न रूपों में। और आज आप देखते हैं कि परमाणु शक्तियों का उपयोग परमाणु बम बनाने के अतिरिक्त बहुत से क्षेत्रों में होता है, जैसे परमाणु बिजली के उत्पादन में, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। और कई देश ऐसे हैं जो अपनी ऊर्जा का काफी प्रतिशत परमाणु शक्ति से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके लिए परमाणु संधियां की गई कि कौन कितना परमाणु ऊर्जा उपयोग करेगा, किस प्रकार करेगा, वो अपने परीक्षण किस प्रकार करेगा, कहां पर करेगा, और वह दूसरे देशों को किन शर्तों पर अपनी परमाणु शक्तियां हस्तांतरित करेगा, इन सब के लिए परमाणु संधियां की गई। तो सबसे पहले जो शुरुआत में परमाणु संबंधी बैठकें की जाती थी वो थी अनौपचारिक रूप में, अर्थात कोई उनका एक लीगल वे नहीं था कि हम इस तरह से, इस प्रोसेस से ये बैठ के करेंगे, इनमें ये चीजें होंगी, और कोई एक संगठन नहीं था, कोई एक संस्था नहीं थी जिसके अंतर्गत ये सब हो सके, पर अनौपचारिक रूप से विभिन्न बैठकें की जाती रही। और 1898 में पहली परमाणु संबंधी बैठक की गई, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की बैठक की गई 1898 में पहली बार, और दूसरा जो है अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन वो किया गया 1907 में। तो पहला जो सम्मेलन हुआ था वो था 1898 में, और जो दूसरा था वो था 1907। ये बैठकें की गई, दो बैठकें इस प्रकार की हो गई, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र शांति सम्मेलन हुए, और संयुक्त राष्ट्र शांति सम्मेलन हुए 1925 और 1932 में। ये क्या थे? संयुक्त राष्ट्र शांति सम्मेलन। अभी तक चाहे 1898 का अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन प्रथम हो, या 1907 का द्वितीय अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन, या फिर ये संयुक्त राष्ट्र के शांति सम्मेलन हो, ये सब अनौपचारिक रूप से ही चल रहे थे। परंतु फिर आवश्यकता महसूस की गई एक ऐसी संस्था की जिसके अंतर्गत ये बैठकें और ये सम्मेलन करवाए जा सके, परमाणु की संधियां की जा सके, और इस दृष्टि से स्थापना की गई IAEA की। स्थापना हुई IAEA की। IAEA का पूरा नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना की गई 1957 को, और फिर शुरू हुआ सिलसिला परमाणु संधियों का। और यह 1957 को 29 जुलाई को IAEA की जो स्थापना की गई, इसका मुख्यालय है वियना में। प्रश्न आ सकता है आपके लिए कि इसका हेड ऑफिस कहां है, HO कहां है इसका, वह है वियना। और जितनी भी परमाणु से संबंधित संस्थाएं और संधियां चल रही हैं, वह सब IAEA के अंतर्गत ही चल रही हैं, और यही उनके बीच मध्यस्थता करता है और उनका
संधियां करवाता है और पालन सुनिश्चित करने का कार्य भी आईएईए का है कि जो सदस्य संधियां कर रहे हैं क्या वे उसका पालन कर रहे हैं अथवा नहीं। संधियां वार्ताएं सब आईएईए के हाथ में होता है। तो ये तो हो गया एक संस्था की स्थापना जो परमाणु संधियां करवाएगा। अब आते हैं परमाणु संधियों पर। उनमें पहला जो हुआ एक बड़ा नाम आता है पीटीबीटी का। तो आइए बात करते हैं पीटीबीटी क्या है। पीटीबीटी अर्थात पेरिटल टेंट बैंड ट्रीटी, आंशिक परमाणु प्रतिषेध संधि आप कह सकते हैं इसे हिंदी में, आंशिक परमाणु प्रतिषेध संधि। पीटीबीटी वह पहली संधि है जो औपचारिक रूप से की गई थी और यह की गई थी आईएईए के गठन के बाद और इसकी तारीख थी 10 अक्टूबर 1963। 10 अक्टूबर 1963 को पीटीबीटी की गई और यह पहली औपचारिक संधि थी, पहली औपचारिक संधि थी जो परमाणु के मामले में की गई थी। अब बताते हैं पीटीबीटी क्या है। पीटीबीटी के अंतर्गत जो समझौता हुआ वह इस बात पे हुआ कि कोई भी देश अपना परमाणु परीक्षण खुले में नहीं करेगा, अर्थात खुले वातावरण में कोई भी अपना परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। खुले में परमाणु परीक्षण करने की हानियां आप सबको पता है, रेडिएशन फैल जाता है, रेडिएशन फैलता है और जो धमाके होते हैं वो कहां तक असर डालते हैं, उससे 2-3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं, उससे रेडिएशन निकलता है, पहले तो अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, उसके बाद उससे विभिन्न प्रकार की प्रभाती और अवरक्त तरंगें निकलती हैं जो बहुत नुकसान करती हैं। इसलिए कोई भी देश अपना परमाणु परीक्षण खुले में नहीं करेगा। प्रत्येक देश को किसी बंद स्थान पर परीक्षण करना होगा, बंद स्थान अर्थात जमीन के नीचे आप अगर परीक्षण करें तो वह उपयुक्त स्थान होगा। और भारत भी पीटीबीटी का सदस्य है, इस संधि पे भारत ने हस्ताक्षर किए, भारत ने हस्ताक्षर किए और इसीलिए भारत अपना परमाणु परीक्षण खुले में नहीं करता है, जमीन के नीचे ही भारत अपने परमाणु परीक्षण करता है, गहरे गड्ढे खोदकर या सुरंगें बनाकर या कुएं खोदकर वो अपना परमाणु परीक्षण जमीन के अंदर करता है। ये थी पीटीबीटी। तो आपने पढ़ा परमाणु संधियां, परमाणु संधियों के लिए बनाया गया संगठन या संस्था और उसके अंतर्गत पहली होने वाली औपचारिक संधि जो 10 अक्टूबर 1963 को हुई और जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए। अच्छा, एक प्रश्न और आपके सामने आ सकता है कि विभिन्न प्रकार की परमाणु संधियां दी जाएंगी, परमाणु संगठन दिए जाएंगे जिनमें आपको एक प्रश्न किया जाएगा कि भारत निम्न में से किसका सदस्य है, अथवा यह प्रश्न आ सकता है निम्न में से किसका सदस्य नहीं है, या फिर यह कूट बनाकर भी आ सकता है कि ए बी दोनों का, ए बी सी तीनों का, इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि भारत ने किन किन में सदस्यता ली है और किन में नहीं ली है तथा किन संस्थाओं में वह सदस्यता लेने के लिए प्रयासरत है, ये प्रश्न आ सकते हैं और ये अक्सर करंट में मुद्दों में रहते हैं। जैसे अभी एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। तो ये तो थी परमाणु संधियों की शुरुआत, जिसमें आपने परमाणु संधि क्या होती है, आईएईए क्या है, पीटीबीटी क्या है आपने पढ़ा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एनपीटी क्या होती है, क्योंकि एनपीटी ही राह में रोड़ा बनी हुई है भारत के एनएसजी में पहुंचने के लिए। चीन ने इसी मुद्दे पर भारत को रोक रखा है कि भारत ने जब एनपीटी की सदस्यता नहीं ली है तो वह एनएसजी का सदस्य नहीं बन सकता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे एनपीटी की। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।